इन सहस्त्र रावणों के मध्य लाकर अवश्य ये मायावी मुझे किसी बड़े माया जाल में फंसाने की चेष्टा कर रहा है। हमें मुक्त देकर चकित मत हो वानर, तुमने हमें बंदी बनाकर अंतरिक्ष में फेंका था। अब इसी अंतरिक्ष में हम तुम्हारा वध करके तुमसे अपना प्रतिशोध लेंगे। प्रतीत होता है विद्युत जिह्वा या स्वयं लंकेश ने तुम्हें मुक्त किया है, परंतु कोई बात नहीं, पूर्व में भी तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सके थे, तो अब क्या करोगे? तब हम मात्र दस थे और अब परंतु अब हम 11 हैं और मैंने अपनी सभी प्रचंड मायावी शक्तियां इन सभी में साझा कर दी हैं। अब देखो हमारी मायावी शक्तियों का प्रभाव, दिखाओ अपना बाहुबल, करो मुझसे युद्ध राम भक्त हनुमान। अब मेरे पुत्र के यज्ञ के संपन्न होने से पूर्व ही उस हनुमान का अंत होगा, और वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण और द्रोही विभीषण भी शेष नहीं रहेंगे। मुझे यहाँ उलझा के रखना चाहता है रावण, परंतु उसकी ये चाल सफल नहीं होने देगा हनुमान। लक्ष्मण भैया पर संकट भी आ सकता है, मुझे शीघ्र अति शीघ्र यहां से निकलना होगा। संभालो हमारे परिवार को। कहाँ गया वो धूर्त वानर? ढूंढो उसे। वानर कहाँ हो तुम? ढूंढ रहे हो?
वानर यहाँ है? मैं तो इधर हूँ। आओ, तुम भी आओ। ये लो दुष्टों। आओ, आओ, ये लो। वानर, अब तू नहीं बचेगा। तुम्हारे दसों राक्षसों का तो अंत हो गया विद्युत जिह्वा, अब तुम्हारा भी अंत होगा और उसके साथ ही पूर्ण होगी मेरी ये शपथ। अब तुम्हारा अंत होगा महाराक्षस। संपूर्ण होने वाला है। लक्ष्मण जी, उससे पूर्व हमें स्तंभासुर का अंत करना होगा।
लेकर अपनी शपथ पूर्ण करने आए हो वानर। मेघनाथ की सहायता करने वाले दुष्ट विद्युत जिह्वा ने माता सीता के मायावी रूप को उत्पन्न कर मुझे भ्रमित करने का दुस्साहस कर मुझसे व्यक्तिगत शत्रुता मोल ली है, जिसके दंड स्वरूप मैं उसका वध करूंगा। परंतु अपने निकट तो देख लो पहले। तुम्हें ज्ञात करा दूं वानर, इन राक्षसों को तुम कभी नहीं मार सकते। इनका वध मात्र नारायण के हाथों ही संभव है, किंतु नारायण तो बहुत बड़े ही निद्रा प्रिय हैं। निद्रा अवस्था में होंगे अपनी सेज सैया पर। नारायण शपथ पूरी करेगा, मुझसे पहले से सामना करना पड़ेगा इन दसों राक्षसों को। वानर वानर वानर, ये क्या? ये धूर्त वानर तो मेरी ओर बढ़ रहा है। शपथ तो फिर ये लो। जय श्री राम। पकड़ो इस दुष्ट वानर को, ये यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। वानर, सावधान हो जाओ वानर जी। प्रभु, इन राक्षसों को मुक्ति मात्र प्रभु नारायण के हाथों से ही मिल सकती है। इन्हें मुक्ति प्रदान करें प्रभु। ये मारेगा हमें दुष्ट वानर। प्रतीत होता है कि तुम्हारे कर्ण सुन्न हो गए हैं, जो इसलिए सुन नहीं सके। हमारी मृत्यु केवल नारायण के नर अवतार के हाथों ही होने का वरदान प्राप्त हुआ है हमें। ये नर क्या मारेगा हमें, इसका वध मैं करूंगा। इस नर को मैं अभी एक बार में समाप्त कर दूंगा। कर दीजिए इनका प्रभु। राक्षसों तो मार डालो इस नर को। Thank you.
लेखन, एक ही वार में तुम्हारा प्राण हर लेगा नर। प्रभु, तुम्हारे कुकर्मों का दंड भोगना अभी शेष है। तुम्हारा स्थान अंतरिक्ष में नहीं, प्रभु श्री राम की चरणों में। आप अकस्मात यहां? क्या हुआ ससुर श्री मै जी, आप बड़े ही विचलित दिखाई दे रहे हैं। अब तो सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। उस वानर को विद्युत जीवा ने अभी तक समाप्त कर दिया होगा। वो द्रोही विभीषण और लक्ष्मण खंबास्तुर के हाथों मारे जा चुके होंगे, और उस वनवासी और उसकी वानर सेना को मेघनाथ यज्ञ से प्राप्त शक्ति के द्वारा यमलोक भेज देगा। किंतु लंकेश, मेघनाथ की कुंडली में बैठे हुए ग्रह उसकी मृत्यु की ओर संकेत कर रहे हैं। ये क्या, सूर्योदय होने को है। प्रभु, मुझे लक्ष्मण भैया और महाराज विभीषण की सहायता के लिए शीघ्र पहुंचना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना लंकेश, तो ये देखिए। स्वयं देख लीजिए लंकेश, ये समस्त ग्रह विपरीत हो चुके हैं, समस्त योग मृत्यु सूचक हैं। ये शनि ग्रह, ये जैसे ही अगले घर में प्रवेश करेगा, मेघनाथ की मृत्यु सुनिश्चित है लंकेश।
अधर्मी अहंकारी नियति भी नहीं मानते, किंतु धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति अपने पद पर अग्रसर रहते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.